दसवीं और बारहवीं की परीक्षा पर बोर्ड की खबर आपको बता दें। दसवीं और बारहवीं परीक्षा पर बड़े से टॉपर्स का वेरिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। टॉप 20 में आने वाले परीक्षार्थियों का वेरिफिकेशन होगा और अलग अलग विषयों। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दसवीं और बारहवीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए, आप चाहे जिस भी राज्य से हो, चाहे जिस भी बोर्ड से, इनकी परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। ज्यादातर सभी राज्यों की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो अब समाप्त हो गई हैं, जिसके तहत जो रिजल्ट का प्रोसेस है, रिजल्ट का प्रोसेस आपका बन चुका है। टॉपर्स के वेरिफिकेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में परीक्षा दे रहे, चाहे आप दसवीं के छात्र हो चाहे बारहवीं के, ठीक है, इनका परीक्षा परिणाम की पूरी तैयारी कर ली गई है और अगले सप्ताह आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। रिजल्ट की डेट क्या निकल के आई है, रिजल्ट आप कैसे निकाल पाएंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले हम बता दें, दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा को लेकर एक अहम बैठक की गई, ठीक है, जिसके माध्यम से यह घोषणा की गई है। और हमारे जो बोर्ड के सचिव हैं उन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट UPMSP के माध्यम से इसकी बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है कि बोर्ड के परीक्षार्थियों का रिजल्ट अगले सप्ताह घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सभी राज्यों की बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। रिजल्ट का इंतजार अभी लाखों छात्र कर रहे हैं, चाहे वो दसवीं के हो या फिर बारहवीं के। और हर बार जो आपका रिजल्ट है वो मार्च अप्रैल में आ ही जाता है, ठीक है। और बोर्ड ने अभी रिजल्ट की तारीख को लेकर अभी कोई भी घोषणा नहीं की है, ठीक है। रिजल्ट आप UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट uprizalt.nic.in वाली वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। 50 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किया था। करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने बोर्ड की परीक्षाएं छोड़ दी थी, ठीक है। हाई स्कूल में करीब 25 लाख और इंटरमीडिएट में संख्या 22 लाख रही है, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर जाना है और इस पर लिखना है UPRizalt, ठीक है, UPRizalt 2024, ठीक है। तो एक ऐप आपके सामने ऊपर ही आ जाएगा, देख सकते हैं आप, नीले कलर का ऐप है कुछ इस टाइप से, तो इसमें लिखा होगा 23-24, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। आपको क्या करना है, प्रवेश पत्र से रोल नंबर और विद्यालय का कोड ढूंढ के रखना है, ठीक है, बस इतना ही भर के जैसे ही आप सबमिट करेंगे रिजल्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा।